तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी बहनें मेरे घर पर आके मेरी बाईसा को धमकाएंगे और मैं कुछ नहीं कहूंगा? काव्या प्रजापति, याद रखना मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूं, समझी तुम? इसीलिए जो कह रहा हूं करो, चलो चलो मेरे साथ। मेरे एहसानों का बदला याद है ना? कम ऑन। यही है ना तुम्हारा घर? सर प्लीज आपको जो बोलना है मुझे बोलिए ना। ऐसे मुंह बसाए, कम ऑन सर, उनकी गलती नहीं है। कहना मुझे अंदर जाने, मेरी बात तो। के घर के आसपास मंडरा रहा था। Hey, listen you mister, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मुस्कान, ये मेरे बॉस है। तुम ही हो जिसने मेरी बहन को कल रात अपने ऑफिस में बंद करके रखा हुआ था। हाँ, यू ब्लडी चीपस्टर, शक्ल से तो बहुत ही सीधे साधे लगते हो। मुझे कभी पता नहीं था कि तुम इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत कर सकते हो। जी? ओह नो मुस्कान, ये क्या कह रही है तू? चुप हो जा प्लीज। मुस्कान थोड़ा शट अप काव्या। तो आप क्या कह रही थी कि यू नो व्हाट, नाउ सिंस यू कम ऑल दिस वे, तुम अंदर ही आ जाओ। यहाँ आंगन में और खड़े खड़े मुझसे तो बातें नहीं होती है। चलो अंदर आओ। एंड बाय द वे, और मैं तुम्हें अंदर सिर्फ इसलिए आने दे रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, वरना अगर तुम सिर्फ कवू के बॉस होते तो भैया आप इसे जानते हैं? ये तो वही है, तीन बहनों में से एक है ना? हाँ, वो मुस्कान प्रजापति। हाँ, समझ गया, घर नहीं पागल खाना है वो। एक काम कीजिए, यहाँ से चार गली छोड़ करके एक चौराहा आएगा। अच्छा। और चौराहा से पांचवा मकान है, पांचवा। पांचवा? हाँ। पागल, फ्रॉड और पागल, लगता है इसका डॉक्टर मुझे ही बनना पड़ेगा। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। हाँ, मैंने बनाए तो ऑब्वियसली अच्छी ही होगी। वैसे यू नॉट टू बैड, वो तुम्हारे घर पे वो जो मैडम है ना, एक्चुअली मेरी पैसा है, मेरी बड़ी बहन। ओके, इसलिए इतना एटीट्यूड दिखा रही थी। पता है जिस तरह उन्होंने हमारे साथ बात की ना और हमारे साथ बिहेवियर किया, इट वॉज टोटली अनअप्रोप्रिएट। उसकी कोई जरूरत नहीं थी, काव्या मर जाती यू नो, उसको अस्थमा अटैक आ रहा था। और वो तुम्हारी बहन चाबी देने के बजाय हमें लेक्चर दिए जा रही थी, समझ ही नहीं रही थी कि कब वो कितनी मुश्किल में है। सर, आई एम वेरी सॉरी, ये तो बस काव्या चांद, वैसे हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आपकी बहन की बहुत गंदी आदत है इंटरफेयर करने की, है ना? मेरी बहन को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यकीन मानिए, और अगर आपकी बहन एक छोटा सा मैसेज डाल देती तो इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती नहीं। ये तो है ही डंबो, आफ्टर ऑल अब हर कोई मेरे जैसा परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना। काबूदी का वो खड़ूस बॉस यहाँ आया था कल रात की वजह से, तो कुछ रिलैक्स कहूँ। आया तो वो था डांटने के लिए, पर बेचारा प्यार से पुडिंग खाकर गया है। पुडिंग? अरे वाह, बिना कुछ कहे ऑब्वियस, अब मेरे सामने तो अच्छे अच्छों की टेंट है हो जाती है। ओ या पुडिंग, एक मिनट, जो पुडिंग मैं अपनी दोस्त के लिए लाई थी आपने वो पुडिंग उस खड़ूस बॉस को खिला दी। Oh my God, देख बहुत लेट हो गया, मुझे चेंज करना, एंड रियली नीड टू गेट रेडी। बाय चश्मेश, मुस्कान दी। यू आर टू क्यूट यार मुसु, सबको कैसे आराम से हैंडल कर लेती है तू यार। एक्चुअली मुझे कुछ हैंडल करना ही नहीं पड़ता,
सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। सब कुछ अपने आप हो जाता है। चिल्लाओगी ना तो लॉस तुम्हारा ही होगा। मैं यहां पे क्यों आया, किसके लिए आया? What the hell? तुम मेरे कमरे में कैसे आए? किसी लड़की के कमरे में ऐसे आना और नहीं लगता तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें?